हेलो दोस्तों, मैं जूली आपका स्वागत करती हूँ जूली की रसोई में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुड़मुड़ी भिंडी मसालेदार वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है और भिंडी को अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ा आपको आएगा। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और उससे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल को भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कुड़मुड़ी भिंडी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम भिंडी, जिसे हम इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, कुछ लोग ओकड़ा भी कहते हैं और इसे कई नामों से बुलाया जाता है दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भिंडी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, उसके बाद मैं इसे कट करूँगी। तो भिंडी को पहले साफ़ करके आपको इसे काटना है। तो सर को और पूछ को काट लीजिए पहले, और इसे तीन टुकड़ों में हम बांट लेंगे, डिवीज़न कर लेंगे और इस तरह से चीरा लगाएंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। इसे करना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। दूसरा भी मैं करके बताती हूँ। इस तरह से आप कीड़े लगे अगर भिंडी है तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसी तरह से इसे कट कर लेना है बड़े बड़े टुकड़ों में। तो इसी तरह से सारे भिंडी को आप काट लीजिए। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाला ऐड करेंगे, मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाफ बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर ले लूँगी, एक छोटी चम्मच नमक लूँगी, नहीं तो आप ज़्यादा भी नमक ले सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। डेढ़ बड़ी चम्मच धनिया के पाउडर लूँगी, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर लूँगी, एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए दोस्तों, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लीजिए दोस्तों। आप चाहें तो ज़्यादा तीखा भी रख सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार से। उसके बाद मैं लूँगी हाफ बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ अदरक नहीं लिया है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लूँगी डेढ़ बड़े चम्मच बेसन। तो इसे हम बेसन वाली भिंडी भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बेसन ऐड कर रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको इसे लेना है, इसे स्किप नहीं करना है दोस्तों, इससे ये कुड़मुड़ी बन जाएगी। तो अच्छी तरह से चलिए इसे हम मिला लेते हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो स्पून से भी मिला सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी आप डालिए ताकि मसाले अच्छी तरह से भिंडी में मिक्स हो जाएं दोस्तों। तो जो हमने चीरा लगाया था उसके अंदर भी ये मसाले चले जाएंगे, इसलिए मैं चीरा लगा दी हूँ ताकि अच्छी तरह से पक भी जाए और फ्राई भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं अच्छी तरह से इसे हाथों की मदद से मिला ली हूँ और इसे मैं ढक के रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो चलिए फटाफट से ढक दीजिए और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो जब हमारे 15 मिनट हो जाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, फटाफट पैन चढ़ा लेना है, गैस को ऑन कर लेना है और इसमें 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून आपकी मर्जी से ऑयल डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। तेल एकदम से गर्म होना चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच खड़े जीरे, और उसके बाद हम फटाफट से डाल लेंगे मैरिनेटेड किया हुआ भिंडी। तो देखिए, मैंने डाल लिया है और इसे 1 मिनट के लिए मिला लीजिए। और जो हमारे मसाले जो थे पहले से उसमें, जिसमें हमने मैरिनेट किया था, वो पानी भी हम इसमें डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं डाल ली हूँ और इसे मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से मीडियम आंच पर। तो आंच को मीडियम करके 2-3 मिनट के लिए इसे मिला लिया है मैंने। उसके बाद मैं लीड को बंद कर लूँगी 5 मिनट के लिए और आँच को कम कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद जब हमारे 5 मिनट हो जाएंगे दोस्तों, तो लीड को ओपन कीजिए और इसे हम एक बार चलाएंगे फिर से। तो देखिए कितनी स्टिकी हो गई है दोस्तों। इसकी प्रॉपर्टी होती है भिंडी की, जब ये हीट इसमें लगती है तो ये गीली होने लगती है, स्टिकी होने लगती है। उसके बाद मीडियम आंच पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे दोस्तों। तो अब हम लीड को बंद नहीं करेंगे और इसी तरह से हम मीडियम टू लो आँच पर पकाते रहेंगे इसे। ये पक भी जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आप इसे फ्राई कीजिए दोस्तों, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए, धीरे धीरे हमारा कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है।
तो इसी तरह से मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैं आपको इसे बताती हूँ, दिखा देती हूँ कि आपको कितनी फ्राई करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी भिंडी इस तरह से फ्राई हो चुकी है, आपको मैं अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। देखिए, देख लिया आपने। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे, क्योंकि हमारी भिंडी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने का तरीका कुछ अलग सा ही है दोस्तों। तो देखिए, मैंने इस प्लेट में इसे इस तरह से प्रेजेंट किया है, आप चाहें तो अलग अंदाज से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ सैलड काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे और प्याज भी काट लेंगे। तो देखिए, मैंने टमाटर रख दिया है स्लाइस में, और उसके बाद हम प्याज को भी स्लाइस करके इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आप गार्निश कर सकते हैं, और साथ में हम हरी मिर्च भी डाल लेंगे। तो इस तरह से आप डाइनिंग टेबल पर इसे रखिए दोस्तों, जितना ये देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आप भिंडी को इसी तरह से एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए दोस्तों, बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे, और खाने में ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।